बाहर बाहर पूरा एरिया कवर कर सकते हो, लेकिन Hey guys, good morning. एक और खूबसूरत से सुबह आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज अभी जा रहे हैं हम कामाख्या टेम्पल। अभी तकरीबन बज चुके हैं 7 बजे, सुबह का 7 बजे। हमने सोचा सुबह सुबह का मतलब सुबह सुबह निकल जाएंगे, तो उसके बाद आके आज एक और ट्रेन है उस पर भी जाएंगे। तो आज जल्दी से जाके मंदिर से जाके आ जाते हैं। चलो हमें ज़्यादा चलने की भी ज़रूरत नहीं होगा, लाइक उधर से हमको गाड़ी मिल जाएगा सामने से, और ये क्रॉस कर बटरी को क्रॉस करने पर ही वहाँ से गाड़ी या बस मिल जाएगा। और उस जगह से तकरीबन कामाख्या देवी का मंदिर है 3 किलोमीटर। आप लोगों को बस से जाओगे तो 10 रुपये में हो जाएगा, और ऑटो या रिक्शा से जाओगे तो भाई 15-20 रुपये ले लेते हैं। और जो लोग सीधा गाड़ी लेके जाना चाहते हैं उनका तो भाई अलग ही है। चलो वापस चलते हैं। सो गाइस, अभी का सीन क्या हुआ पता है? हमने सोचा बस से चले जाएंगे, लेकिन अभी बस है ही नहीं, तो ऐसा वागनर के टाइप कुछ है। वो लोग बोल रहे हैं 30 रुपये लेंगे, तो जो कि हम बस से जा सकते हैं 10 रुपये से। तो सोचा 3 किलोमीटर है, वो भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 बजे होंगे सुबह का, तो थोड़ा चढ़ाई कर लेंगे। जैसे 3 किलोमीटर है ऊपर जाने के लिए, तो हमें तकरीबन 25 मिनट लग जाएगा, क्योंकि डाउन नहीं आप पे तो चढ़ते चढ़ते थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो वही है, अभी पैदल जा रहे हैं हम लोग मंदिर तक। और हमने 15 मिनट में 1 किलोमीटर क्रॉस की, सिर्फ 1 किलोमीटर। ये जो ना पूरा है ना रास्ता, पूरा घूम घूम के सीधा ऊपर जाता है, तो सिर्फ चढ़ाई और कुछ नहीं। हम भी गांव से है, तो इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इतना ज़्यादा, नहीं तो वह हालत ख़राब होता। देखते ऊपर जाते जाते क्या होता है। और इधर कुछ कारीगरी की हुई है पुराने लोगों का, कुछ मूर्तियां है। पुराने लोग कैसे जाते थे पैदल पूजा वगैरह उसके लिए। और ये रहा मंदिर का पूरा। और गाइस, यहाँ पे हर 10 फुट के पीछे मतलब स्वागत हो माँ कामाख्या देवाल का स्टार सीमेंट का कुछ दिया हुआ है भाई, ये पूरा है। और गूगल बाबा बता रहे हैं कि और 17 मिनट लगेगा ऊपर तक पहुँचने में। हाँ, पसीना तो नहीं आ रहा अभी भी, थोड़ा थोड़ा सुबह है ना, ठंड ठंड भी है, तो धीरे धीरे हम चल रहे। और ये पूरा पहाड़ पत्थर का बना हुआ है, सिर्फ पत्थर भाई, नीचे भी पत्थर, ऊपर सामने भी पत्थर, ऊपर भी पत्थर। और यहाँ पे दिया गया है एक खूबसूरत सा नजारा देखने के लिए, जगह व्यू पॉइंट जिसे कहते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर भाई। 40 मिनट की चढ़ाई के बाद आके पहुंचे इधर, तो अभी भी ऊपर है थोड़ा, चलते हैं। शिव
और जो सिक्का चिपका रहे लोग, ये बहुत स्लिपरी है। भाई कबूतर देख रहे हो, ये हर रोज छोरा जाता है, लोग बलि देने के लिए लाते हैं और छोड़े जाते हैं। भाई लोग तो मर भी रहे हैं, कुछ ऐसा है अंदर से। भाई इधर तो टांग बहुत टूटी। तो यहाँ पे दिए जलाया जा रहे हैं। और अंदर पूजा देने के लिए सब लाइन में लगे हैं। भाई इधर ताला भी लगाया हुआ है, बाहर का लोग अंदर ना घुसे। मंदिर काफी बड़ी है वैसे तो। अंदर जाऊंगा, बाहर से अच्छा लगता है। तो इधर बैठने के लिए गिलहरी, ऊपर एक और मंदिर। रहा मंदिर के अंदर कुछ इस तरह से दिखते हैं। अंदर तो नहीं है, अंदर ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। चल ठीक है, पढ़ने
जनरल पीछे उधर कुछ अंदर फाउंटेन है और भी बड़ी है यार, वो ऊपर तक जाता है। जब कुल मिलाकर 4 या 5 देवियों को पूजा जाता है, और वैसे तो है मतलब 51 देवियों का मतलब मूर्तियां है इधर, 51 है, उनमें से 4 या 5 को ज़्यादातर मतलब पूजा जाता है। पर वो तो सामने बहुत लाइन है यार, नहीं जा सकते उधर। मंकी बाहर पूरा एरिया कवर कर सकते हो, लेकिन अंदर जो है उसका एंट्री मतलब नहीं है, ऐसा नहीं दे रहे वो लोग, मतलब फोन अंदर नहीं ले जाने दे रहे। चलो कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी है। और हम पूजा देने, भाई इतना लंबी लाइन, अभी हम लोग पूजा देने लगेंगे तो हम जो नेक्स्ट जहाँ पे जाने वाले हैं आज उधर ही जा नहीं पाएंगे। तो ठीक है, हम लोग मंदिर पूरा घूम लिए, अभी यहाँ से निकलेंगे यार, पूजा वूजा नहीं करा रहे यार।